मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने घरों पे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे और बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, क्योंकि त्योहारों का मौसम जो आ गया है। पर बच्चों, इस मौसम में भी कोरोना के संक्रमण से तो बचाव करने ही होंगे। इसके लिए हमेशा मास्क लगा कर रखिए, साबुन से हाथ लगातार धोते रहिए और भीड़ भाड़ वाली जगह पे दूरी बना कर रखिए। बच्चों, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार के इस एपिसोड में आज पर्व त्यौहार के दौरान भगदड़ से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे सजग रहा जाए, इसके बारे में बताया जाएगा। बच्चों, आज के इस एपिसोड में आपको बताया जाएगा बरसात के बाद जल जमाव एवं बाढ़ से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए क्या करें क्या ना करें, यानी कि डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जाएगा। बच्चों, आज SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम के द्वारा ये बताया जाएगा प्राथमिक उपचार कैसे देना है, यानी कि जैसे भगदड़, भूकंप, बाढ़ एवं सड़क दुर्घटना में जो लोग घायल होते हैं उनकी जान बचाने के लिए हमें फर्स्ट एड कैसे देना है ताकि उनकी जान समय पे हम बचा सके। तो बच्चों, आज का जो ये कार्यक्रम है बहुत ही रोचक है, तो इसको ध्यान से सुने और अंत तक देखें। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। मास्क का उपयोग बढ़ाएं, कोरोना वायरस को फैलने से बचाएं। साथियों, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास बाजार में मिलने वाला मास्क नहीं है तो घर पर बने कपड़े के मास्क, जिन्हें धोया जा सकता है, उसका उपयोग करें। जब भी आप घर से बाहर जाएं, तो हर हाल में मास्क या सूती कपड़े जैसे गमछे या दुपट्टे से अपना मुंह और नाक ढक कर रखें। किसी दूसरे के द्वारा प्रयोग किए गए मास्क या सूती कपड़े का उपयोग कभी न करें। घर पर बने कपड़े के मास्क को साबुन और गर्म पानी से धोएं और उसे धूप में सुखाएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। आइए आज हम लोग इस सत्र में भगदड़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इससे बचाव के बारे में भी जानेंगे। भगदड़ जो एक मानव जनित आपदा है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, भगदड़ के कारण दशहरा, छठ पर्व, मुहर्रम में ताजिया निकालने के दौरान या ईद हो, प्रकाश पर्व हो या अन्य कोई समारोह एवं सम्मेलन के अवसर पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसमें भगदड़ जैसी घटना होने की पूरी संभावना होती है। ऐसी दुर्घटनाओं में ज्यादातर बच्चे एवं महिलाएं शामिल होते हैं। इन्हें नियंत्रण करने की पूरी आवश्यकता होती है। भगदड़ क्यों होते हैं? भगदड़ भीड़ प्रबंधन की असफलता या अभाव की स्थिति में पैदा हुई मानव निर्मित आपदा है। यह प्रायः भीड़ भरे इलाकों में किसी अफवाह के कारण भी पैदा होती है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण भी यह आपदा पैदा होती है। इसमें संपत्ति से अधिक जान की क्षति होने की संभावना रहती है। इसमें भीड़ अचानक किसी अफवाह, आशंका या भय के कारण तेजी से एक तरफ भागने लगती है, जिसके कारण प्रायः बालक, वृद्ध एवं स्त्रियां भागते लोगों के पैरों के नीचे आकर कुचले जाते हैं। लोगों की भीड़ में दबने से मौत तक हो जाती है। सामान्यतः दुर्गा पूजा, छठ पर्व, कुंभ मेला, ईद, मुहर्रम आदि त्योहारों के अवसर पर तथा राजनीतिक रैलियों आदि जैसे अवसरों पर बहुत भीड़ होती है, जिससे भगदड़ हो सकती है। भगदड़ के दौरान मरने वाले ज्यादातर बच्चे एवं महिलाएं होते हैं। थोड़ी सावधानी एवं धैर्य से हम निम्नलिखित नियमों का पालन कर भगदड़ से होने वाले नुकसानों को कम कर सकते हैं। भगदड़ जैसी स्थिति से बचने के लिए क्या करें क्या ना करें। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि क्या करना चाहिए। बिजली के तारों और उपकरणों से दूर रहें। रैली, मेला, उत्सव आयोजन एवं पूजा पंडालों में बिजली के से चलने वाले
आधुनिक उपकरणों से दूरी बना कर रहें। शॉर्ट सर्किट या अधिक लोड के कारण इसमें कभी भी आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पंडालों मेले में चलते फिरते रहें, अनावश्यक रूप से एक स्थान पर भीड़ ना लगाएं। यदि हम मेलों में या भीड़ भरे जगहों में छोटे बच्चे, महिलाएं, बीमार या वृद्ध को ले जा रहे हैं, तो उनकी जेब में या गले में घर का पता और फोन या मोबाइल नंबर जरूर साथ में रखें। किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं, ना ही उस पर ध्यान दें। सभी समूह एवं परिवार किसी भी आपात स्थिति में से निकलकर मेला के बाहर मिलने का एक स्थान पूर्व से सुनिश्चित कर लें एवं एक दूसरे का फोन नंबर जरूर साथ में रखें। मेले में बच्चों को अकेला ना छोड़ें और ना ही उन्हें इधर उधर जाने दें। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें, यह आपकी सहायता के लिए होते हैं। आइए अब हम लोग जानेंगे कि भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए क्या ना करें। मेले या भीड़ भाड़ वाली जगहों में किसी भी प्रकार के पटाखे या ज्वलनशील पदार्थ ना ले जाएं तथा धूम्रपान ना करें। मूर्ति विसर्जन में तैराकी ना जानने वाले पानी के भीतर ना जाएं। मेले, उत्सव, त्योहारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों में अराजकता ना फैलाएं, जैसे लड़ाई, झगड़ा, मार पीट आदि। छोटे बच्चे, वृद्ध, बीमार एवं महिलाएं भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। प्रशासन, राहत कर्मी एवं स्वयं सेवकों को भीड़ नियंत्रण में पूर्ण सहयोग करें, अर्थात उनकी सहायता करें। बेवजह शोर ना मचाएं, अफवाह ना फैलाएं, दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। धक्का मुक्की, जल्दीबाजी ना करें। अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो यथासंभव उसे उठाने में मदद करें। निर्धारित मार्ग पर ही चलें, सहायता संबंधी संकेत चिन्हों का ध्यान रखें और निर्देशों का पालन करें। थोड़ी सावधानी एवं धैर्य से हम लोग उपरोक्त नियमों का पालन कर भगदड़ जैसी आपदा से होने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। धन्यवाद। अरे मुनिया, स्कूल में बच्चों को आपस में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां रखनी हैं, उसके बारे में क्या बताओगी? मैं अपने साथ पढ़ने वाले स्कूल के सभी बच्चों को ये बताऊंगी, हम सबको स्कूल में आते समय अपने मुंह पर मास्क लगा के रखना है या कपड़ा बांध के रखना है। दूसरा ये कि प्रार्थना के समय क्लासरूम में और मैदान में खेलते समय आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर बनाकर रखनी है। और क्या? भूल गई, मैं बताता हूँ। लंच ब्रेक के समय, पानी पीते जाते समय और छुट्टी के समय पर भी आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है। और क्या क्या बताओगी? ये भी बताऊंगी कि हम सबको बार बार अच्छी तरह से साबुन और पानी से 40 सेकंड तक हाथ धोना है। और हाँ, एक बात और बताऊंगी कि खांसते या छींकते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा मास्क चेहरे पर अच्छी तरह से लगा हो। और सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि खांसते और छींकते समय मुंह से जो लार की बूंदें निकलती हैं, वो किसी सतह पर
या किसी दूसरे बच्चे के ऊपर ना गिरे और क्लासरूम में मेज कुर्सी या कंप्यूटर के कीबोर्ड दरवाजे की हैंडल जैसी चीजों को बेवजह ना छुए और अगर छू लेते हैं तो सबसे पहले हाथों को साबुन और पानी से धो लें। और क्या बोलो बोलो और देखा फिर भूल गई ना। मैं बताता हूँ, अरे किसी भी दोस्त को आपस में हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, दूर से ही बात करनी है। हाँ डुक्कू, याद आया, अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम या बुखार है तो स्कूल नहीं आना है और डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लेनी है। और इसके अलावा रेडियो और टीवी पर स्कूली बच्चों के लिए मीना की दुनिया, आधा फुल और गली गली सिमसिम जैसे मनोरंजक और शिक्षा प्रद कार्यक्रम भी आते हैं। स्कूल से आकर इन्हें भी तो देखना और सुनना नहीं भूलना है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और सभी को बताएंगे, मिलजुल कर कोरोना को हराएंगे और बन जाएंगे कोरोना चैंपियन। भगदड़ के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं का अवलोकन करते हैं, देखते हैं पहली घटना। अरे वाह, ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? ये सभी कांवरिये हैं, ये भोलेनाथ को जल डालने जा रहे हैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल कंवरिया बोल बम बोल बम बोल बम। अरे वाह, इतने लोग, बड़े खुश हैं सारे। अभी मैं इन्हें मजा चखाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। अरे भागो रे सांप सांप सांप, कहाँ कहाँ, अरे भागो रे भागो रे सांप भागो सांप। हाँ भाई भागो यहाँ से, हाँ भाई भागो सांप भाई भागो। अरे भाई, आप लोगों को इतनी चोटें कैसे आ गई? क्या बताएं डॉक्टर साहब, हम लोग तो सड़क किनारे धीरे धीरे जा रहे थे। सड़क पर कुछ कांवरिये जा रहे थे, तभी एक आदमी ने एक नकली सांप फेंक दिया और चिल्ला दिया सांप सांप। लोगों में अफरा तफरी मच गई, उसी से हमें बुरी तरह चोट लग गया। अरे यह तो बहुत दुखद घटना है, हमें अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप लोगों को नाहक ही चोट आ गई। खैर, मैं आप लोगों की मरहम पट्टी कर देता हूँ, आप लोग आराम से रहिए, ठीक हो जाइएगा, चिंता मत करिए। शुक्र है उस भीड़ से बचकर आ गया, चलो जल्दी से ऑफिस का काम निपटा लूं। चलो टीवी में जरा न्यूज़ तो देख लूं। अरे ये तो हमारे ही शहर का न्यूज़ दिखा रहा है, मैं भी तो सुबह यहीं पर था। अरे ये क्या हुआ? अरे इस भगदड़ में कई लोग मर गए, कई जख्मी हो गए, सभी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ओहो, एक व्यक्ति की नादानी के वजह से आज कितना नुकसान हो गया। कौन है? क्या हुआ रॉबर्ट साहब, आप इतने उदास क्यों हैं? प्रणाम मास्टर जी, क्या बताऊं, कितनी दुर्घटना हो गई आज शहर में, न्यूज़ देख रहे हैं ना? क्या हुआ रॉबर्ट साहब, मैं तो अभी सीधे विद्यालय से आ रहा हूं, अभी न्यूज़ नहीं देखा हूं। हमारे शहर में आज अनेक लोग भगदड़ में मारे गए। एक व्यक्ति ने कांवरियों के झुंड के ऊपर एक नकली सांप फेंक दिया और सांप सांप कहकर चिल्ला दिया। सभी लोगों में भगदड़ मच गई, लोग अफरा तफरी में इधर उधर दौड़ने लगे और इसी क्रम में कई लोगों को चोटें आ गई और कई लोगों की जान चली गई। अत्यंत दुखद घटना मास्टर जी, अत्यंत दुखद घटना। सचमुच यह तो अत्यंत दुखद घटना है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ना तो अफवाह फैलानी चाहिए, ना ही अफवाह पर ध्यान देना चाहिए। और इस प्रकार की मानव जनित घटना को हम अपने समझदारी से दूर कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी घटना, छठ पर्व के दौरान भगदड़। अरे वाह, छठ का मेला लगा है, पटना में गंगा जी की घाट पर कितनी रौनक है, छठ पर्व है, जय छठी मैया। बहनी लचकत जा, बहनी
करंट भी आ सकता है या फिर टूट सकती है। चलो घर दीदी, चलो घर। ठीक है राजू, चलो घर ही चलते हैं। अरे ये लोग भी वही गलती कर रहे हैं। अरे दीदी लोग रुकिए, अभी इस पुल से पार मत करिए, यह तो जर्जर पुल है। देखिए बिजली के तार भी यहाँ है, कोई दुर्घटना हो सकती है। दीदी लोग रुकिए रुकिए, इससे मत जाइए, यह खतरा हो सकता है। अरे वाह, इतने लोग इस जर्जर पुल पे, बड़ा मजा आएगा। ये पुल टूटेगा, सभी गिरेंगे। भागो भागो, बिजली का तार गिर गया, भागो, जान बचाकर भागो सब लोग। भगवान ये क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? बाबूजी, आज हमारे पटना शहर में छठ करके लौट रहे छठ व्रतियों और लोगों की भीड़ जब लकड़ी के पुल को पार कर रही थी, तभी उनके बीच भगदड़ मच गई। किसी ने अफवाह फैला दिया कि बिजली का तार गिर गया है। लोगों में अफरा तफरी मच गई, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। हे भगवान, सही कहो बेटा, हमें अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने बुद्धि से काम करना चाहिए। यह तो अत्यंत दुखद घटना है। अब देखते हैं तीसरी घटना, जब दशहरे के दौरान भगदड़ हुई। देखो बेटा, यहाँ रामलीला हो रही है। यह रावण है, 10 सिरों वाला रावण, और ये है राम, जिन्होंने ये 10 सिरों वाले दुष्ट रावण का आज वध किया था, और इसी खुशी में आज दशहरा मनाया जाता है। अरे भागो भागो, यहाँ पे बिजली का तार गिरा है, भागो भागो। नहीं बेटा, हमें ऐसे सुनी सुनाई बातों पर भागना नहीं चाहिए, इससे भगदड़ मच सकती है। हमें सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। चलो देखते हैं, क्या सचमुच में कहीं बिजली का तार गिरा है। अरे भागो सब, यहाँ बिजली का तार गिरा है, जल्दी भागो। हेलो आयोजन समिति, लगता है यहाँ बिजली का तार गिरा है, कुछ लोग कह रहे हैं, कृपया आप जांच कर लें। हेलो सुनिए, लगता है बिजली का तार गिर गया है, कुछ लोग वहाँ पर दौड़ भाग रहे हैं, देखिए स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। हेलो सुनिए पुलिस सर, वहाँ दशहरे के मेले में भगदड़ मच गई है, वहाँ पर सुनते हैं बिजली का तार गिर गया है। अब मैं आपको ये सूचना देने आया हूँ। हाँ पुलिस अंकल, वहाँ पर लोग भाग रहे हैं, बहुतों को चोट आ रही है। अच्छा हुआ,
आज जो आपने हमें समय पे सूचना दे दी, यहाँ तो सचमुच में भगदड़ मची हुई है। चलिए भाई, साइड होइए, पहले बुजुर्गों को निकलने दीजिए, पहले बच्चों को निकलने दीजिए, और सभी लोग माताओं बहनों भाइयों लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों का हाथ कस कर पकड़े रहें, बच्चों को अकेला ना छोड़ें। ऐसी कोई भी घटना होने पर तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएं 102 या 108 नंबर पर। धन्यवाद। आजकल न्यूज देखो तो हर जगह बाढ़ की ही बातें चल रही हैं। देश के हर प्रदेश में कहीं ना कहीं बाढ़ आई हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ का कहर कुछ ज्यादा ही है, जहां से लगभग 150 लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। बाढ़ तो हर साल आती ही रहती है, और अगर क्लाइमेट साइंटिस्ट की माने तो जिस तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्लड्स के आने की चांसेस आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ती रहेगी। इस आपदा से बचने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि अथॉरिटीज अपनी ओर से पूरे प्रिकॉशंस ले रही होंगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो हम सभी से मिस हो जाता है। जब बाढ़ आई हुई होती है उस टाइम तो सभी लोग पूरे प्रिकॉशंस पे रखते हैं, क्योंकि वो उस टाइम बहुत अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन जब बाढ़ का पानी घटने लगता है तो लोग निश्चिंत होने लगते हैं और तभी फैलती हैं बीमारियां। सबसे ज्यादा बाढ़ के बाद ही इन्फेक्शन के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों से हम खुद को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकते हैं। पहली जरूरी बात, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन गंदे पानी से होता है, तो गंदा पानी पीने से बचें, पानी उबाल के पिएं। उसके लिए आप पानी को उबाल आने के बाद 1 मिनट तक उबलते रहने दें, फिर उसे ठंडा करके साफ बर्तन में ढक के रखें और इस्तेमाल करें। जहां पानी उबालने की सुविधा ना हो वहां पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं। इसके लिए 25 लीटर पानी में यानी लगभग 1 बाल्टी पानी में 1 छोटा चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डालें, अच्छे से मिक्स करें और 30 मिनट के बाद उसका इस्तेमाल करें। अगर ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध ना हो तो 1 बाल्टी पानी में 10 बूंद पोविडोन आयोडीन डाल सकते हैं, जो आपको केमिस्ट के पास आसानी से मिल जाएगा, या फिर क्लोरीन टैबलेट भी डाली जा सकती है। लेकिन याद रखिएगा, पानी को उबाल के पीना सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन है, और अगर केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो लंबे समय तक ना करें। कुएं तालाब का पानी तब तक इस्तेमाल ना करें जब तक कि उसकी सफाई ना हो जाए। घर से निकलने वाले कचरे को ऐसे ही कहीं भी ना फेंकें। ऐसे कचरे बीमारी फैलने वाले जीवाणुओं और कीटाणुओं के लिए एक परफेक्ट घर होते हैं। कचरे को किसी थैले में बांधकर कूड़ेदान में ही डालें। अगर कोई भी खाने का सामान बाढ़ के पानी के संपर्क में आया हो तो उसे फेंक दें। साग सब्जियों को साफ पानी से अच्छे से धो के पकाएं। बचे हुए खाने को फ्रिज में ही रखें। खाना हमेशा अच्छे से गर्म करके ही खाएं। यदि आप खाना फ्रिज में रखना भूल गए हो तो उसे इस्तेमाल में ना लाएं। अपनी सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। रेगुलर नहाएं साफ पानी से। कुछ भी खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं। अगर बाढ़ के पानी में आपको निकलना पड़े तो घर लौटकर हाथों और पैरों को साबुन से अच्छे से साफ करें। याद रखिए, बाढ़ का पानी जब शहर में आता है तो उसमें सिर्फ नदी का पानी नहीं होता, उसमें नाले गटर और सीवर की गंदगी भी होती है, इसलिए सफाई पे तो विशेष ध्यान देना ही चाहिए। अगर किसी को चोट लगी हो तो घाव को साफ और सूखा रखें और बाढ़ के पानी से बचाएं। एंटीसेप्टिक जैसे पोविडीन आयोडीन लगाएं और ढक के रखें। टिटनेस का टीका जरूर लगवाएं। बाढ़ के कम होने के बाद मच्छर बढ़ जाते हैं और साथ में बढ़ती हैं मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां होने की चांसेस। मच्छरों के काटने से बचने के लिए आप ओडोमॉल जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका तो मच्छरदानी ही है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा नेचुरल है, जिसमें आप किसी भी केमिकल का यूज किए बिना मच्छरों से बच सकते हैं। बाढ़ के बाद बीमारियों और महामारियों के फैलने की आशंका बहुत बढ़ जाती है, इसलिए अगर थोड़ी भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, लापरवाही बिल्कुल ना करें। ये सारी बातें शायद सुनने में छोटी लगती हों,
लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियों और महामारियों से बचा जा सकता है। बच्चों, जब कभी बाढ़ के दौरान वृक्ष गिरते हैं या दीवार गिरता है या पुराने घर ढहते हैं या किसी सड़क दुर्घटना के दौरान या छत से गिरने के दौरान जब व्यक्ति का हाथ या पांव के हड्डी टूट जाते हैं, उस समय दुर्घटना स्थल पर कैसे प्राथमिक उपचार देना है, इसकी जानकारी हम आपको आज SDRF के कार्मिकों के द्वारा दिखाएंगे। इस प्रदर्शन में हम आपको यह बताएंगे कि अगर प्राथमिक उपचार दिए हुए बिना अस्पताल ले जाएंगे तो वो चोट और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है और व्यक्ति को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हाथ टूटने के बाद हाथ को स्टेबलाइज करने की जो प्रक्रिया है, जिसे स्वाथ और सीलिंग कहते हैं, ये कैसे करते हैं। पांव टूटने के बाद जो सही ढंग से खपच्ची बांधने की प्रक्रिया है वो कैसे करते हैं। अगर सही उपकरण आपके पास मौजूद नहीं है तो लोकल सामग्रियों के द्वारा आप समुचित ढंग से प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे, इन सब का प्रदर्शन SDRF के कार्मिकों के द्वारा आप देखिए। और उम्मीद है कि आप ढंग से इसे देखने के बाद कभी किसी दुर्घटना के समय इसे आप अपना करके व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। किसी भी तरह के दुर्घटना होने के उपरांत जब किसी भी व्यक्ति का हाथ या पांव दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसका प्राथमिक उपचार कैसे करते हैं, इसका प्रदर्शन में अभी आप देखिएगा कि हाथ टूटने के बाद हाथ में खपच्ची लगाकर या कॉपी रजिस्टर या इस तरह के किसी सामग्री के द्वारा कैसे उसको स्टेबलाइज करते हैं। घर में जो कॉपी उपलब्ध है या रजिस्टर उपलब्ध है उसको फोल्ड कीजिए और टूटे हुए हाथ में उसको लपेट दीजिए, चारों तरफ से लपेटिए और एक रेगुलर बैंडेज या गमछा या दुपट्टा इत्यादि के द्वारा उसको जोर से टाइटली बांध दीजिए ताकि टूटा हुआ हड्डी स्टेबलाइज हो जाए, स्थिर हो जाए और जब तक हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएं उससे पहले वो और ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। यहाँ आप केवल बैंडेजिंग करना देख रहे हैं, अभी बैंडेजिंग के बाद इसे स्वाथ सीलिंग की तरफ बांधने की प्रक्रिया को देखिए। अभी SDRF के कार्मिक दूसरा ट्रायंगुलर बैंडेज ले रहे हैं, इसमें गांठ देने की प्रक्रिया है, आपने देखा है गांठ कैसे लगाते हैं। इस गांठ के द्वारा टूटे हुए हाथ के साथ उसके गर्दन में उसको बांधते हैं। हाथ के गले से टांगने की विधि को सीलिंग कहते हैं। अभी आप सीलिंग करते हुए देख रहे हैं, जहाँ गर्दन के पास बांध रहे हैं, गांठ दे रहे हैं, वहाँ पर एक मुलायम कपड़ा या रुमाल या गौज वहाँ दे दीजिए ताकि गर्दन में गांठ पर जोर ना पड़े। और सीलिंग करने के बाद इस पूरे कपड़े और कंधे को पीठ के साथ बांध दिया जाता है, जिसे हम स्वाथ कहते हैं। इस तरह से टूटे हुए हाथ को सीलिंग करने के उपरांत और भी ज़्यादा सेकेंड स्टेज में स्टेबलाइज कर दिया जाता है और घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए इसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। दूसरे हाथ में खपच्ची बांधने के लिए आप लकड़ी का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये बांस का टूटा हुआ लकड़ी या किसी भी तरह का लकड़ी हो उसको इस तरह से आगे ऊपर या और नीचे रख करके और कपड़े से आप लपेट सकते हैं। इस तरह से आप उसको लपेट सकते हैं और इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको पांव टूटने के बाद लोकल सामग्रियों के द्वारा कैसे उसको हम स्टेबलाइज करेंगे। हाथ का आपने विधि देख लिया, अब इसको यही समाप्त करते हैं। पांव की विधि के लिए फिर आपसे हम मिलते हैं। किसी भी तरह के दुर्घटना में जब किसी व्यक्ति का पांव टूट जाता है, पांव के हड्डी के टूटने के बाद हम जो प्राथमिक उपचार करते हैं उसका प्रदर्शन देखिए। यहाँ पर आप स्प्लिंट देखेंगे कि जो SDRF के कार्मिकों के पास स्प्लिंट मौजूद है वो कैसा होता है। वस्तुतः ये एक लकड़ी का
बनाया हुआ है जिसके ऊपर पैड लगा दिया गया है ताकि ये किसी भी घायल व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाए। हम जानते हैं आपके पास स्प्लिंट नहीं होगा गाँव में, तो आप जो गाँव में सामान मौजूद है जैसे छाता, छड़ी, कोई डंडा, इन सब के सहारे आप स्प्लिंट बना सकते हैं। अभी आप छाता के द्वारा उपयोग करके टूटे हुए पाँव को कैसे स्टेबलाइज करेंगे, कैसे आप सही स्थिति में रखेंगे ताकि उसको अस्पताल ले जाते समय उसके पाँव में और ज़्यादा नुकसान ना हो। आप गौर करने वाली बात यहाँ यह है, यहाँ गौर से आप देखिए कि कैसे जो कपड़े को बांधेंगे, आपके पास दुपट्टा हो, गमछा हो, या रुमाल हो, या मफलर हो, तो उससे, या टाई हो, तो कैसे आप गांठ लगाएंगे, इस विधि को आप गौर से देखिए और गांठ लगा कर बचे हुए कपड़े को उसी गांठ के साथ में लगा देंगे ताकि वो नीचे लटकता हुआ ना रहे। चार जगहों से आप जांघ के पास, टखने के पास, घुटने के पास और उसके बीच में बांधेंगे, और उन जगह पर बांध रहे हैं जहाँ पर नीचे से ज़मीन और शरीर के पाँव के बीच में गैप होता है, उन गैप पर आप लकड़ी के द्वारा, छाते के द्वारा उस व्यक्ति को स्टेबलाइज कर रहे हैं और स्टेबलाइज करके फिर उसको नज़दीकी अस्पताल तक ले जाएंगे। बच्चों, यहाँ पर जो हम स्टेबलाइज करने की यह प्रक्रिया है इसे हम अस्पताल पूर्व चिकित्सा कहते हैं। इसके बाद जब हम नज़दीकी अस्पताल में ले जाएंगे तो वहाँ चिकित्सक के द्वारा इनका समुचित उपचार किया जाएगा। आपको यह इसलिए बताया गया है कि पाँव को स्टेबलाइज करके अस्पताल ले जाने की सही प्रक्रिया का ज्ञात अगर आपको होगा तो दुर्घटना स्थल के पर जब व्यक्ति का पाँव टूटा हुआ आपको दिखेगा तो आप इसी विधि को अपनाएंगे और अधिक नुकसान होने से उस व्यक्ति को बचाएंगे। किसी भी दुर्घटना के बाद जब शरीर से खून का बहना शुरू हो जाता है, सर फट जाता है या शरीर के किसी दूसरे हिस्से से खून बहने लगता है, तो उस समय में खून को कैसे रोकना है, रक्तस्राव का को कैसे बंद करना है, उसकी विधि को आप देखिए। पहला विधि में दिखाया जा रहा है दबाव दे करके, प्रेशर दे करके कैसे खून को रोकना है। प्रेशर देने से, दबाव देने से वहाँ पर जो शरीर के अंदर से रक्त निकल रहा है, रक्त में विटामिन के की मात्रा होती है जो कोगुलेट करती है, ब्लड को कोगुलेट करती है, यानी खून को रोकती है। प्रोथ्रोम्बिन है जो थक्का बनाने के काम करता है, आपने अपने स्कूलों के सिलेबस में पढ़ा होगा। प्रोथ्रोम्बिन के कारण और विटामिन के कारण खून अपने आप स्वतः ही जमने की प्रक्रिया होती है। प्रेशर देने से यह प्रक्रिया और जल्दी हो जाती है और व्यक्ति का रक्तस्राव बंद हो जाता है। इस तरह से आप जोर से दबाव देकर के, दबाव देकर दिखाइए उस पर, इस तरह से दबा करके रखे रहिएगा जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुँचना, तब तक जिस जगह पर सर फटा हो या हाथ टूटा, हाथ से या पाँव से खून निकल रहा हो, ऐसे दबाव दिए रहिएगा और सफ़ेद साफ कपड़ा से या रुई से उसको दबा कर रखिएगा। हाँ, यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि आप डिटॉल से या टिंचर आयोडीन से उस घाव को साफ जरूर कर दीजिएगा बैंडेजिंग या ड्रेसिंग करने से पहले, ताकि गंदगी से वहाँ पर इन्फेक्शन होने का खतरा ना हो। अभी आप दूसरा विधि देखिए, पहला विधि हो गया, अब एलिवेशन से रक्त को कैसे रोकते हैं इस प्रक्रिया को अभी आप देखेंगे। रक्तस्राव के जो चार अलग अलग तरीके हैं उसको रोकने का, उसमें सेकंड तरीका आप देख रहे हैं कि अगर हाथ में या पाँव में या किसी भी अंग में अगर खून बह रहा है तो उसको रोकने के लिए प्रेशर तो देना ही चाहिए। प्रेशर का तरीका जो हमने पहले बताया, दबाव का तरीका, वो तो सही है ही, उसके साथ साथ उस हिस्से को हृदय से ऊपर कर दिया जाए, या हृदय से ऊपर करके रखिए उसको, इस तरह से हम उसको एलिवेट करते हैं। आप पोस्टर में देख रहे होंगे, पोस्टर में देख रहे होंगे कि वहाँ पर पाँव से, पाँव को ज़मीन के हाइट से ऊँचा कर दिया गया है, वैसे इन्होंने यहाँ पर हृदय के लेवल से हाथ को ऊँचा कर दिया है। तो ये एलिवेशन करने से, उठाने से खून का जो संचार है वो हाथ में या पाँव में कम हो जाता है और इससे खून बहने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो
प्रेशर देने के साथ साथ हम एलिवेट करके भी उस अंग को हाथ से या पांव के उस अंग को ऊपर करके रखेंगे। हृदय के लेवल से ऊपर करने के दौरान खून का बहाव कम हो जाता है और रक्त बहने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ये दो प्रक्रिया आपने देखा। अब हम देखेंगे टोर्निकेट। टोर्निकेट से पहले एक और तरीका है, आप पोस्चर पे एक बार फोकस करके दिखा सकते हैं। प्रेशर पॉइंट है जो शरीर में महत्वपूर्ण प्रेशर पॉइंट्स है, जैसे कि शरीर का प्रेशर पॉइंट और गले का प्रेशर पॉइंट और कंधे के पास प्रेशर पॉइंट, केहुनी के पास हाथ में प्रेशर पॉइंट और हथेली से पहले प्रेशर पॉइंट्स है, वैसे जांघ के पास है, जांघ के बाद उसके घुटने के नीचे प्रेशर पॉइंट है और एंकल के पास प्रेशर पॉइंट है। इन सब प्रेशर पॉइंट्स को आप जब देखेंगे तो उस जगह पर दबाने के बाद खून स्वतः ही बंद हो जाता है। आपको गौर करना होगा कि प्रेशर पॉइंट कहाँ है। बच्चों, आप मोबाइल में भी गूगल पर सर्च करके यह देख सकते हैं कि प्रेशर पॉइंट हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर है, जिससे कि खून का संचार को रोका जा सके। चौथा तरीका है रक्त बंद टोर्निकेट के विधि से खून बंद करना। अगर हाथ पूरा कट गया हो या पाँव पूरा कट गया हो या इतना ज़्यादा कट गया हो कि उसके आर्टरी और वेन यानी दोनों तरह की जो रक्त संचार नलिकाएं हैं वो कट गई हो और अत्यधिक कटने के कारण आपके प्रेशर से खून बंद नहीं हो रहा हो, तब इस टर्निकेट यानी रक्त बंद के विधि को उपयोग में लाते हैं। इस उपयोग वाली विधि में आप पहले तो किसी रुमाल या कपड़े से बांधेंगे। बांधने के उपरांत आप इस तरीके से जैसे आप पेन को उसके अंदर डाल रहे हैं, डाल करके आप गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने और पेन को डालने की प्रक्रिया को गौर से देखिए। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि गांठ लगाने के दौरान घायल व्यक्ति से आपको पूछना है कि क्या दबाव उचित रूप से पड़ रहा है। यह दबाव इतना अधिक होना चाहिए कि वह बर्दाश्त कर सके और खून का संचार बंद हो सके। आपको देखना भी है कि कटे हुए हाथ का हिस्सा, जैसा कि उस फ्लेक्सी में दिखाया जा रहा है, कटे हुए हाथ के ऊपर वाले हिस्से में जो शरीर से जुड़ा हुआ है उस हिस्से के आगे से रक्त का प्रवाह रुक गया हो। इस तरह से बांधने के बाद 10 मिनट के बाद या 7-8 मिनट के बाद जब आपको लगने लगे कि कटा हुआ हिस्से के आगे का हिस्सा नीला पड़ते जा रहा है तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए हम उसे खोल देंगे, लूज करेंगे। लूज करने के बाद फिर पुनः उसको उसी दिशा में बांध देंगे, गांठ को टाइट कर देंगे। यह प्रक्रिया जिसमें हम गांठ को 8-10 मिनट के बाद लूज कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं और पुनः 10-20 सेकंड के बाद उसे टाइट कर दे रहे हैं, यह इसलिए करते हैं कि शरीर के अगले हिस्से में जहां टोर्निकेट किया हुआ है उससे आगे का हिस्सा बिल्कुल नीला ना पड़ जाए, वहाँ ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। रक्त के संचार को बांध देने से बचे हुए अंग के हिस्से में ऑक्सीजन की कमी होने से वो शून्य हो जाता है और नीला हो जाता है, फिर बाद में उसे गैंग्रीन हो जाती है और उसे काटना पड़ता है। इसीलिए हमें टोर्निकेट में यह ध्यान देने की ज़रूरत है। दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति को सही ढंग से अगर उठा करके नज़दीकी अस्पताल तक ना ले जाया जाए तो उसके दुर्घटना के उपरांत शरीर में और चोट बढ़ सकता है, यहाँ तक कि उसके स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी और ज़्यादा हो सकती है और वह व्यक्ति लकवा के शिकार भी हो सकता है। तो सही ढंग से उठाने की तरीके को राज्य आपदा मोचन बल SDRF के कार्मिक का प्रदर्शन देखिए। यहाँ पर बीच में बैठे हुए ग्रामीण को पाँव में चोट लगी है, इनको सही प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति के पीठ पर रख करके ले जाने के तरीकों को देखिए। पीठ पर ले जाने के इस तरीकों को हम पिक ए बैग कहते हैं, यानी बैग बोरी को पीठ पर रख करके ले जाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नज़दीकी वाहन तक या नज़दीकी अस्पताल तक ले जाने की तरीका है। दो व्यक्ति के द्वारा घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर कैसे समुचित ढंग से उठाते हैं उसका प्रदर्शन देखिए। बीच में जो लेटे हुए व्यक्ति हैं ये दुर्घटना में चोटिल हो गए हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सही ढंग से उठाने के लिए उसके स्पाइनल कॉर्ड को, उसको पीठ को,
मदद किया जाता है, सपोर्ट दी जा रही है, और आगे से एक व्यक्ति उनका पाँव को इस ढंग से उठाता है जैसे कुर्सी की तरह उठाने की इस प्रक्रिया को चेयर लिफ्ट कहते हैं, और इस तरह व्यक्ति को उठा करके दो व्यक्ति सही ढंग से नज़दीकी अस्पताल या नज़दीकी वाहन तक ले जाते हैं। दुर्घटना के बाद घायल को उठाने के जो और भी कई तरीके हैं, एक तरीका का प्रदर्शन अभी आप देखिएगा, इसे कहते हैं टू हैंड लिफ्टिंग। दो व्यक्ति के द्वारा एक एक हाथ दोनों व्यक्ति के जॉइंट करके घायल व्यक्ति को सपोर्ट देते हुए उठाना है और उसको अपने जॉइंट किए हुए हाथ पर बिठा लेना है और दूसरे हाथ से उनके दोनों हाथ को अपने कंधे पर सपोर्ट देना है और इस तरह उसको उठा करके नज़दीकी अस्पताल या नज़दीकी वाहन तक पहुंचा देना है। इस प्रक्रिया को टू हैंड लिफ्टिंग कहते हैं। जब दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अधिक दूर तक ले जाना हो तो दो व्यक्ति के द्वारा जल्दी थक जाने के उपरांत व्यक्ति को दूर तक ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए तीन व्यक्ति की मदद करके थ्री मैन लिफ्ट के तरीका का प्रदर्शन आपको दिखाया जा रहा है। इस प्रदर्शन में तीन व्यक्ति घायल व्यक्ति को अपने गोद में लेते हैं और गोद में लेने के उपरांत तीनों व्यक्ति उसे समुचित ढंग से उठाते हैं और अपने सीने से चिपका करके और धीरे धीरे गंतव्य स्थान की तरफ जहां अस्पताल हो या नज़दीकी वाहन हो वहाँ तक लेकर जाते हैं। इसमें उनको घायल व्यक्ति का भार कम लगता है और दूर तक ले जाने की स्थिति आरामदायक होती है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जब कहीं ज़्यादा दूर ले जाना हो तो केवल हाथ के सहारे ले जाने में जब कठिनाई होने लगती है तो उस परिस्थिति के लिए घरेलू सामग्रियों से यथा कंबल, चादर, टी शर्ट, डंडा, इन सब चीज़ों के मदद से हम स्ट्रेचर बनाते हैं। स्ट्रेचर बनाने की कार्रवाई को अभी आप SDRF के कार्मिकों के द्वारा देखेंगे। यह बहुत ही सरल प्रक्रिया है, घर में चादर या कंबल का उपयोग करके इस तरह से पहले फैला देंगे और फैलाने के बाद इसे बीच में दो डंडा या लोहे का रॉड, जैसा हम यहाँ लोहे के पाइप को रख रहे हैं, आप डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बीच से इसे इस तरह का फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये एक ध्यान देने की प्रक्रिया है कि दूसरा जो रॉड रखेंगे उसके बाद कंबल को इस ढंग से रखें कि कंबल पहले रॉड तक पहुंच जाए और व्यक्ति के पीठ से वो दबा रहे। अब हम घायल व्यक्ति को इस पर ला कर लेटाएँगे। देखिए, घायल व्यक्ति को ला करके इस पर लेटाया जा रहा है। घायल व्यक्ति के पास तक हम इस स्ट्रेचर को ले जाएंगे और इसे लिटाने की प्रक्रिया को थोड़ा गौर से देखिए। इंजर्ड व्यक्ति को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करा करके उसको अपने तरफ खींचेंगे और स्ट्रेचर जो इम्प्रोवाइज ढंग से बनाया गया है उस पर व्यक्ति को कैसे शिफ्ट किया ये आपने देखा। पीठ की तरफ उसे उठा करके पीठ के नीचे से स्ट्रेचर को प्लेस कर देंगे, रख देंगे। अब इसके हाथ को, घायल व्यक्ति के हाथ को ठीक से बांध देंगे। बांधने का मकसद हमारा यह है कि उठाने के बाद उसका हाथ नीचे की तरफ लटकता ना रहे। अब हम घायल व्यक्ति को उठा करके ले जाने की तकनीकी को दिखा रहे हैं। इसे गौर से देखिए, दोनों उठाने वाले व्यक्ति को एक ही तरफ मुंह करना है और इस प्रदर्शन को जब हम घायल व्यक्ति को हम ले जा रहे हैं तो ध्यान यह देना है कि उसका सिर आगे की तरफ रहे, पांव पीछे की तरफ रहे, ताकि जो आगे व्यक्ति उठा रहा है उसके पास उसका सर होना चाहिए। और अब इसे ले जाने की प्रक्रिया को आप देखिए। यह था स्ट्रेचर के द्वारा घायल व्यक्ति को ले जाने की तरीका। बच्चों नमस्ते, आज आपको एक नई जानकारी दी गई जो अब तक आपको इस कार्यक्रम के तहत नहीं मिली थी। आप जानते हैं कि यह महीना और अगला महीना, यह दो महीना पर्व त्यौहार का महीना है। इसमें आपको दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, इस जैसी बहुत सारी पर्व त्यौहार आपको देखने को मिलेंगे। और आपको पता है यह सभी पर्व त्यौहार आउटडोर एक्टिविटीज़ पर आधारित है। दुर्गा पूजा बाहर मंदिर में हम जाते हैं, मूर्तियों का दर्शन करते हैं। छठ पूजा में हम क्या कहता है, नदी किनारे, तालाबों के किनारे
जल अर्पण करते हैं सूर्य देव को, जबकि दीपावली में हम एक दूसरे के पास जाते हैं। इस तरह से यह पूरा दो महीना पर्व त्यौहार का महीना है, इसमें भीड़ इकट्ठा होती है और इस भीड़ इकट्ठा होने से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। आज आपको भगदड़ के संबंध में बताया गया, उससे बचाव के संबंध में बताया गया। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपके बेहद काम आएगी, क्योंकि भगदड़ के समय आपकी अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में होती है, तो आपको यह जानकारी याद रखनी है और इस पूरे भगदड़ के समय, इस पर्व त्यौहार के समय अपने आप को बचा करके रखना है। तो बच्चों, अब हमारा कार्यक्रम शुरू होता है क्विज और गृह कार्य का। तो क्या आप लोग तैयार हैं क्विज के लिए? इसमें आपको करना क्या है, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जो आपने सीखा, अब उसको आपको ध्यान से सुनना और उसके विकल्पों का सही चयन करना। उसके पश्चात एक गृह कार्य है जो आपको सप्ताह भर करना है। तो बच्चों, क्या तैयार हैं आप सब लोग क्विज के लिए? चलिए क्विज की शुरुआत करते हैं। आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, भगदड़ के दौरान निम्न में से किस स्थिति के कारण लोगों को घायल होने की संभावनाएं ज्यादा होती? तो इसके विकल्प हैं, पहला दम घुटने से बेहोश होने पर, दूसरा भीड़ में गिर जाने पर भागते लोगों के पैरों से कुचलने पर, तीसरा अंधेरे में भागने पर किसी खंभे अथवा बांस या ठोस वस्तुओं से टकराने पर, और अंतिम विकल्प उपरोक्त सभी स्थिति होने पर। तो बच्चों, इसका सही जवाब है चौथा विकल्प अर्थात उपरोक्त सभी स्थिति होने पर। दूसरा सवाल, भगदड़ के दौरान निम्न में से किन्हें घायल होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है? तो इसके विकल्प हैं, पहला केवल बच्चे और महिलाएं, दूसरा महिलाएं एवं वयस्क, तीसरा बच्चे महिलाएं बुजुर्ग एवं दिव्यांग, और चौथा बच्चे और वयस्क। तो बच्चों, इसका सही जवाब है तीसरा विकल्प अर्थात भगदड़ के दौरान बच्चे भी घायल होते हैं, महिलाएं भी घायल होती हैं, बुजुर्ग और दिव्यांग लोग भी घायल हो जाते हैं। तीसरा सवाल, भगदड़ निम्न में से किस प्रकार की आपदा की श्रेणी में आता है? तो इसके विकल्प हैं, पहला मानव जनित आपदा, दूसरा प्राकृतिक आपदा, तीसरा भीड़भाड़ प्रदर्शित आपदा, चौथा रासायनिक एवं जैविक आपदा। तो बच्चों, इसका सही जवाब है पहला अर्थात मानव जनित आपदा। चौथा सवाल, भगदड़ से बचाव के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? तो इसके विकल्प हैं, पहला भगदड़ होने पर संयम एवं धैर्य बनाए रखें, दूसरा भगदड़ होने वाले मार्ग से अलग हो जाएं, तीसरा भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें, चौथा आयोजन कमेटी के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें, और पांचवा उपरोक्त सभी। तो बच्चों, अगर आप गौर से देखें तो इसका सही जवाब है पांचवा विकल्प अर्थात उपरोक्त सभी। पांचवा सवाल, पर्व त्योहार के दौरान भगदड़ की स्थिति न होने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके विकल्प हैं, पहला पूजा स्थल, मेले या किसी उत्सव पर जाने पर सावधान और अनुशासित रहे, दूसरा बेवजह शोर नहीं मचाएं, तीसरा बाहर निकलने के लिए जल्दबाजी ना करें, चौथा अफवाह पर ध्यान ना दें, पांचवा उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात पर्व त्यौहार के दौरान भगदड़ की स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए ये सभी उपाय आवश्यक हैं। छठा सवाल, भीड़ प्रबंधन के लिए निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? इसके विकल्प हैं, पहला पर्याप्त रोशनी और चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, दूसरा सुरक्षा कर्मी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, तीसरा चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, चौथा चाट पकौड़े एवं खोमचे वाले वेंडरों को मुख्य रास्ते से अलग होकर बेचना चाहिए, और पांचवा उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अभी तक हमने आपसे छह प्रश्न पूछे, अब वक्त है गृह कार्य का।
आज आपने पर्व त्योहार के दौरान भगदड़ से बचने के उपायों के बारे में जाना और सीखा। अब आपको करना क्या है, तो इससे बचाव की जानकारी आपको अपने माँ पिताजी भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों के साथ साझा करें। साथ ही आज जो आपको प्राथमिक चिकित्सा के तरीकों के बारे में बताया गया उसका भी अभ्यास करें। तो बच्चों, यह था इस बार का क्विज और गृह कार्य। अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नए गृह कार्य और एक नए क्विज के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि अब पर्व एवं त्यौहार का महीना आने वाला है और इन पर्व और त्यौहार में अक्सर हमें भगदड़ जैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो आज आपने इस पूरे कार्यक्रम में भगदड़ से बचने के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही भीड़ भाड़ जैसे जगहों पर भगदड़ की स्थिति बनने पर कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी आज आपने सीखा। साथ ही बच्चों, आज आपने SDRF टीम के द्वारा एक मॉकड्रिल के माध्यम से किसी भी घायल व्यक्ति को किसी भी आपदा में और भगदड़ की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति घायल हो गया है तो उसे कैसे प्राथमिक उपचार दिया जाए ये भी आज आपने देखा और सीखा। साथ ही बच्चों, बरसात के मौसम के बाद एवं जल जमाव के बाद और दूषित पानी हो जाने के बाद कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और उनसे हमें कौन कौन से बचने के उपाय करने चाहिए ये भी आज आपने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। बच्चों, इन सभी बातों से जुड़ी हुई आपको बहुत से प्रश्न पूछे गए और इन प्रश्नों के जवाब भी आपको मिले और साथ ही आपको एक गृह कार्य भी दिया गया जो आप हर बार की तरह करेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों, ये बातें आप जो भी सीखते हैं वो सिर्फ अपने बात तक सीमित नहीं रखते हैं, वो सभी आप अपने मित्रों, परिजनों, माता पिता एवं आस पड़ोस में अवश्य बताते हैं। तो बच्चों, इसी उम्मीद के साथ मैं अगले शनिवार को आपको फिर से मिलूंगी एक नए विषय पर ढेर सारी जानकारियाँ लेकर। और प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे DD बिहार चैनल पर आप इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। अगर भूल भी गए तो यह कार्यक्रम शाम को पुनः 4 बजे प्रसारित होता है, तो आप उसे अवश्य देख सकते हैं। तो थोड़ी सूझबूझ, सावधानी और धैर्यता के साथ आप अपने आप को किसी भी आपदा में सुरक्षित बनाए रखें। तो इसी उम्मीद के साथ अगले शनिवार तक का मैं आपका इंतजार करूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।